नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो उससे यहाँ पर संबंधित प्रश्न हम देखने वाले हैं। और एमपीपीएससी प्री में संघ लोक सेवा आयोग सिलेबस में दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग हुआ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ। तो यहाँ पर हम जो यूपीएससी है वहाँ से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, उसके बाद जो है वो एमपीपीएससी देखेंगे। बाकी जितने भी आयोग हैं, करीबन जो है वो 15 आयोग हैं, तो सभी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थोड़े पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन थोड़े सही प्रिंट नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि पहला क्वेश्चन है कि आयोग के सदस्य कर्मचारी के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानता है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 324। तो जो वेतन भत्ते होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको प्रदान किए जाते हैं, तो ये आर्टिकल आपको पता होगा कि 315 से लेकर नहीं 323 तक होते हैं यूपीएससी में। और जो वेतन भत्तों की बात की गई है, ये होता है 322 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1968, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का अधिनियम पूछा गया है कि सदस्य जो है वो किस अधिनियम पर शासित है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969 पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं है? ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ऑप्शन बी, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देता है। ऑप्शन सी, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में। ऑप्शन डी, एक सेवा से दूसरी सेवा तबादला करना। ऑप्शन ई, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आयोग के कार्य नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है वो कार्य इसके नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? कार्मिक प्रशासन मंत्रालय को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए, वह एक अखिल भारतीय सेवा से हो। ऑप्शन बी, उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो। ऑप्शन सी, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता है। ऑप्शन डी, उसे उच्चतम न्यायालय का बार काउंसिलिंग का सदस्य होना अनिवार्य है। तो योग्यता जो कही गई है यूपीएससी में, उसमें कहा गया है कि जो भारत सरकार है और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखना चाहिए, यानी रखना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्चों का उल्लेखन संविधान में कहा है? भारत की संसद, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर। तो संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, तो उनके वेतन भत्ते पेंशन जो सभी का खर्च होता है वो कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। तो पहले क्वेश्चन में दरअसल ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर ही जो है आंसर दिया था। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं हैं? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है दरअसल। ओके, तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? ऑप्शन ए, विधि एवं कानून मंत्रालय। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति ही जो है वो नियुक्ति करता है और उन्हीं को जो है वो त्याग प्रमाण पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री,
ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है ये नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी है? ऑप्शन ए 3 वर्ष या 60 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 60 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। कोई भी इनमें से पहले हो जाए या फिर 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष का जो है अध्यक्ष हो जाए या सदस्य हो जाए तो उन्हें जो है वो पदावधि दी जाती है और उसके बाद जो है इन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सुचेता कृपलानी, राज कुमारी अमृत कौर, सी ऑप्शन है सर रोष बारकर, ऑप्शन डी एच के कृपलानी। तो या फिर ऐसा देखिए, क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पर कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एच के कृपलानी। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों ही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे हैं लेकिन आंसर जो है वो एच के कृपलानी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड 1919। तो प्रथम लोक सेवा आयोग का जो अधिनियम है, तो फेडरल आयोग का नाम जो दिया गया था वो दरअसल दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को जो है वो संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1 अक्टूबर 1925, 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1928 या 1 अक्टूबर 1928। तो इसका गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किसकी अध्यक्षता में की गई थी? लॉर्ड ली, एच के कृपलानी, रोज मिलन मैथ्यू, इनमें से कोई नहीं। तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश जो की गई थी ये दरअसल जो है लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है रोज मिलन मैथ्यू, ऑप्शन बी वंदना वैद, ऑप्शन सी राखी सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोज मिलन मैथ्यू, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको और भी क्वेश्चन देखिए कई तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि यूपीएससी पहली जो है वो भारतीय ने किसने जो है वो पास किया था, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आपको पता हो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे तो उन्होंने किया था। तो कुछ आपको क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से भी आपसे देखने को मिल जाएंगे। ओके, और सिविल सेवा सर्विसेज के जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर से भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो जो संघ लोक की सेवा होती है उसमें सदस्य होते हैं तो उनमें कार्यों का विस्तार किया जाता है, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 319 या अनुच्छेद 322। तो ये देखिए विस्तार की बात की गई है, तो विस्तार आपको देखिए 315 से लेकर 323 तक पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए। अब यहाँ पर विस्तार कार्यों के विस्तार, तो 321 तो इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार सारे आर्टिकल देखिए 315 में क्या बोला गया है कि राज्य संघ और राज्यों के जो के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 316 में क्या बोला गया है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात की गई है। 317 में क्या बोला गया है
जो लोक सेवा के सदस्य होते हैं उन्हें हटाना होता है, या हटाने की प्रक्रिया, निलंबित करने की प्रक्रिया जो है वो 317 में कहा गया है। 318 की अगर मैं बात करूँ, 318 में क्या बोला गया है कि जो जो सेवा होती हैं, जो शर्तें होती हैं सदस्यों की, उनकी बात की गई है, ठीक है। 319 में क्या बोला गया है, 319 में क्या कहा गया है कि जो जो हटा दिए जाते हैं तो उन्हें पुनः नियुक्ति की बात की गई है, आयोग के सदस्यों को पुनः नियुक्ति की बात की गई है 319 में। ओके, 320 में क्या बोला गया है, 320 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है। 321 में क्या बोला गया है, शक्तियों का विस्तार। और 322 में बोला गया है कि जो वेतन भत्ते होते हैं उनकी बात कही गई है। 323 में जो बोला गया है वो कहा गया है कि जो आयोग को रिपोर्ट देना होता है, जो रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देते हैं। ओके, तो ये सभी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन गया है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।